और खरीदने की राय दो वजह से। पहली बात तो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे आपको फ्लैट नजर आएंगे, लेकिन इस रिजल्ट्स में वाकई में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहद दमदार आई है, और भले आप ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट देखिए जैसे आएगा बहुत ही बेहतरीन नजर आएगा आपको, 32 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़, क्योंकि इन्होंने कुछ इनके इन्वेस्टमेंट्स है मॉन्स में और डेट इन्वेस्टमेंट, उन पर इन्होंने मार्क टू मार्केट लॉस लिया, उस वजह से आपको नेट प्रॉफिट फ्लैट नजर आ रहा है। तो पहली बात रिजल्ट अच्छे। दूसरी बात आप देखिए बायबैक, 3900 करोड़ 4000 करोड़ का मार्केट कैप है और 220 करोड़ का बायबैक है, यानी 5% के आसपास का बायबैक कंपनी कर रही है 800 रुपए की प्राइस पर, तो ये बायबैक बहुत अच्छा कहा जाएगा। और दूसरा ये कि टेंडर ऑफर है, तो आप खरीद कर कंपनी को शेयर दे सकते हैं और जगह है, आप 580 का है और 800 रुपए पर, यानी कि यहाँ से भी आपके लिए 220 रुपए की अपसाइड वैसे बनती है। जाहिर सी बात है कि टीसीएस विप्रो जैसे टीसीएस सेलटेक जैसे इनके एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं होंगे क्योंकि पब्लिक के पास काफी शेयर होल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जस्ट डायल के लिए सबसे बढ़िया बात दीपाली ये हुई है कि अब नीचे की रिस्क खत्म हो गई। दूसरी बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि 1200 करोड़ का कैश है कंपनी की बैलेंस शीट पे, जो वाकई में कॉन्फिडेंस देने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बायबैक वैसे नहीं है जैसे दूसरे हुआ करते थे, तो ये बेहतरीन बायबैक है और इस बायबैक के दम पर कंपनी की रीरेटिंग हो सकती है। अच्छा। इन नतीजों के दम पर रीरेटिंग हो सकती है, तो मेरा मानना है कि जस्ट डायल खरीदना चाहिए। 565 जो कल का क्लोजिंग के आसपास का है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट 605 610 का है और ये मैं सारे फ्यूचर्स के लेवल बोल रहा हूँ, 605 610 का टारगेट है, 610 के पार निकल कर टिके और हो सकता है वहीं खुले तो थोड़ी देर इंतजार कर ले, उसके बाद सीधा 640 भागेगा। तो स्टॉक में अच्छी तेजी बननी चाहिए, नीचे का खतरा अब इसमें खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी स्टॉक गिरेगा नहीं ज्यादा, और पता नहीं है जल्दी से बैन में आ जाए तो मालूम नहीं, आज ही इतनी पोजीशन बन जाए तो यू नेवर नो, क्योंकि एकदम बैन में आने की वो दहलीज पे था, तो आज पक्का बैन में आ सकता है, इसमें तेजी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, तो 800 रुपए पर बायबैक पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो तेजी की वजह बनेगा, और दूसरा नतीजा कि एबिटा फ्रंट पर काफी मजबूत रहे हैं। और आज तो ब्रोकरसेस की रिपोर्ट भी है, नोमरा भी 730 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहा है, जस्ट रिपोर्ट भी आ गई, नोमरा की रिपोर्ट आई है 730 के टारगेट से, वंडरफुल, तो जस्ट डायल फोकस में रहेगा। फटाफट से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन है, बताएंगे आपको खबरों वाले स्टॉक्स, आज आने वाले नतीजे, ब्रोकरसेस की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं।